आज हम करेंगे जी क्लास सिक्स का यूनिट नंबर फोर की वर्कशीट नंबर थ्री, विच इज़ ऑन यूनिटरी मेथड्स। अब यूनिटरी मेथड का नाम सुन के ना परेशान घबराना कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सम्स को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। और करना कैसे कि हमें कुछ भी चीज़ दी गई होगी, हमें पर यूनिट मतलब सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी है और फिर जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसका आंसर निकाल देना है। तो विच इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग एट ऑल। अब जैसे पहला सम ही ले लेते हैं, मैं सीधा सम से शुरू करते हैं। साहिल बाइज 8 बुक्स फॉर ₹72। नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स। 8 बुक्स का हमारे को प्राइस दिया हुआ है और 45 का पूछा गया, तो करना क्या है इसमें। अब यूनिट क्या है यहाँ पे, यूनिट है बुक। और अगर हम सिंगल बुक की अगर कॉस्ट निकाल लें तो 45 की निकालनी कितनी मुश्किल है, कुछ भी नहीं। तो चलो सम शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कितनी है जी, ₹72। सो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी हो जाएगी, तो एक सिंगल बुक की कॉस्ट क्या बनेगी फिर, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 9। तो ₹9 इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स कितनी हो जाएगी, अब 45 बुक्स की कॉस्ट हमारे को क्या पड़ेगी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू, एक की कॉस्ट कितनी है 9 और 45 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आंसर आपका आ जाएगा। तो 9 5 ऑफ 45 ही होता है, 5 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40 हो गया, तो ये बन गया 405। सो द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स इज गोइंग टू बी 405। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, द बस फेयर फॉर 20 पर्संस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज ₹9500। फाइंड द बस फेयर फॉर 19 पर्संस। अब हमारे को यूनिटरी मेथड यूज करना है। यूनिटरी मेथड क्या है कि सिंगल यूनिट का वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास हैं पर्संस, तो 20 लोगों की फेयर की कॉस्ट दी हुई है, तो एक बंदे की अगर हम निकाल लेंगे कि कितनी कॉस्ट है, तो फिर हमारे से जितने मर्जी लोगों की पूछी जाए हम आंसर दे पाएंगे। सो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस फेयर फॉर 20 पर्संस इज इक्वल टू ₹9500। तो बस फेयर फॉर 1 पर्सन कितना रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये है 9500 टोटल है, अब वी फी डिवाइडेड बाई 20 हमारे को आंसर जो है आ जाना चाहिए। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये एक जीरो तो सीधी जाती है, एक जीरो तो सीधी जाएगी, बाकी अब आपको निकालना पड़ेगा। ये तो चली गई, अब टू से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 8, 1 कैरी, 2 7 14, 1 कैरी 10 5, तो ये निकल के आ गया 475। अब हमारे को एक आदमी की कॉस्ट निकल आई है, तो 19 लोगों की कॉस्ट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब उसको भी दो तरीके से कर सकते हो, 20 की दी गई है, एक की माइनस कर लो तो 19 की आ जाएगी, या जो हमारा सम्स हैं जैसे हमारे से एक्सपेक्ट किया गया हम करें तो वैसे ही करते हैं। तो बस फेयर फॉर 19 अब लोगों के लिए अब क्या बन के रह जाएगा, तो
बस फेयर फॉर 19 persons. अब क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 475 मल्टीप्लाई बाय 19. अब इसको आप रफ में मल्टीप्लिकेशन इसकी अब कर लीजिए. अब 475 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 5s are 45, 4 कैरी, 9 7s are 63 प्लस 4 67, 6 कैरी, 9 4s are 36 प्लस 6, ये आ गया जी 42 इंटू 5 7 और 4, ये आ गया 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, 4 प्लस 4 9. तो ये क्या बन के आ गया, 9025. तो हमारा आंसर क्या है, 9025. अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है. हमारे को दिया हुआ है जी, अरुण अर्न्स रुपीज 3,90,000 पर ईयर. अब इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भी यूनिट जो है ना सेम नहीं है. इधर वीक्स का दिया हुआ है, इधर उसने साल का बोला हुआ है. तो हमें पहले यूनिट बराबर कर लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जाके हम इस सम को निकाल पाएंगे. तो अरुण्स अर्निंग कर लेते हैं जी. अरुण्स अर्निंग इन अ ईयर इज व्हाट, बेसिकली इट इज रुपीज 3,90,000. अब 25 वीक्स को ईयर में कन्वर्ट करना तो मुश्किल होगा, तो हम ईयर को वीक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो एक साल में अब कितनी वीक्स होती हैं, अरुण्स अर्निंग इन एक साल में 52 वीक्स होती हैं. तो अब 52 वीक्स की उसकी क्या अर्निंग होगी, 3,90,000. अब इसमें ना एक चीज़ और ऐड की जा सकती है वैसे, और ये ऐड की जा सकती है कि हम इसमें एक चीज़ और लिख दें, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, ये ऐड कर लो भाई, इज इक्वल टू 52, तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा. उसको सम को समझना भी इजी हो जाएगा और प्रेजेंट करता हुआ भी अच्छा लगेगा. तो अरुण अर्निंग बिकॉज इन अ ईयर 3,90,000 से सीधा हम 52 वीक्स लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो अरुण अर्निंग इन वन वीक कितनी होगी. तो अब यहाँ पे आ गई आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी. अब यहाँ पे आप करिए कैलकुलेट, 3,90,000 है आपकी, पूरी 52 वीक्स की. तो अगर हम इसको 52 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा, 3,90,000 को अगर आप 52 से करोगे, 7 से करते हैं, 7 2 is 14, 1 कैरी, 7 1 5 is 35 प्लस 1 36, 364 आ जाएगा. 10 में से यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 10 में से 4 गए 6, और 8 बजे 8 में से 6 के 2, ये 0 आ जाएगा. अब आगे से 0 नीचे आ जाएगा, हमें 0 चाहिए, 5 जा 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, लो जी कट गए, हो गया ख़त्म. बचे 2 0, तो ये 2 0 यहाँ पे लगा लो, तो ये कितना आ गया, 7500. तो अरुण की अर्निंग जो है ऑफ वन वीक हमारे को मिल गई, मतलब सिंगल यूनिट की हमारे को अर्निंग पता लग गई है. अब हमारे को जो क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 25 वीक्स की अर्निंग ढूंढनी. सो अरुण्स अर्निंग 25 वीक इज इक्वल टू व्हाट, नाउ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7500.
दैट विल बी 7500 मल्टीप्लाई बाय 25, हम ये निकाल लो रफ में, 7500 25 से मल्टीप्लाई करो, 0025 तो कैरी, 5735 प्लस 237 ये जीरो आ जाएगा, 0025 10 वन कैरी, 27 14 प्लस 115 तो ये निकाल लो, 0057 3 प्लस 581 नाउ दैट इज इक्वल टू 1,87,500 तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें भी अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ 18 केजी वीट हमारे को दी हुई है और पूछा क्या गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। अब यहाँ पे दोनों में जो है यूनिट्स अलग अलग है, यहाँ पे केजी है और यहाँ क्विंटल है, तो पहले तो इनको भी बराबर हमें करना पड़ेगा। चले पहले 18 केजी की वीट की कॉस्ट दी है, हम पहले 1 केजी की वीट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 18 केजी वीट इज व्हाट, 216, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी वीट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट विल बी गोइंग टू बी वेरी सिंपल, इट विल बी 216 डिवाइडेड बाय 18। अब ये रफ में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 216 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, पहले 2 से करते हैं, 18 टू जा नहीं यार ये तो भाई जल्दी के आगे ना क्या कहते हैं पत्थर ही आते हैं, एक एक करके करते हैं, सीधा ही मैं कैलकुलेशन करने लग पड़ा, यहाँ तो 21 है, यहाँ तो 1 से भी काम हमारा चल जाएगा, तो 18 वन जा 18 होता है, यहाँ से कितने बचेंगे, या 1 आ गया, 11 में से 8 के 3 और ये 6 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 टू ज़ा 36, तो आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 12। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी वीट इज व्हाट, रुपीज 12। और उधर जो हमारे को पूछा गया है क्विंटल का पूछा गया, अब जो 1 क्विंटल जो है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल, मैं सिर्फ 1 क्विंटल की बात कर रहा हूँ, वीट वीट सब साइड पे छोड़ दो, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। अब जो है ये जो यूनिट है अब ये सेम हो गए, मतलब ये यूनिट जो है अब सेम हो गए, अब 1 किलो की हमारे को कॉस्ट दी गई है तो 100 केजीज की कॉस्ट निकालना अब कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ 100 केजी वीट इज इक्वल टू व्हाट, अब ये निकालना थोड़ा सा अब आसान हो गया हमारे लिए, तो 1 की कॉस्ट 12 है तो 100 की हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा जी 1200। तो अब आपको अगर लिखना है, एक लाइन और ऐड करनी तो कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल जो पूछा गया हमारे को वीट इज इक्वल इज रुपीज 1200, ये निकाल दो, 1200 रुपये हमारी कॉस्ट निकल के आ गई। सिर्फ इसमें करना क्या था, क्विंटल को 100 केजीस में कन्वर्ट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है जी 4 इरेजर्स आर परचेस्ड फॉर ₹10, तो 4 इरेजर्स की कॉस्ट हमारे को दी हुई है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर्स। देखना ये 1 डजन टर्म यूज हो गई है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन इज इक्वल टू व्हाट, अगर वो पता है तो आप आंसर आराम से निकाल लेंगे, पर पहले 4 इरेजर्स की हमारे को कॉस्ट दी गई है तो हम पहले यूनिटरी मेथड का यूनिट जो है वो देख लें क्या है, वो इरेजर है, तो हम पहले 1 इरेजर की कॉस्ट निकाल लें, तो 1 इरेजर की अब कॉस्ट क्या बन के आ जाएगी जी, दिस विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इरेजर्स दैट इज 4। अब इनको आप रफ में डिवाइड कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ जी, 4 टू ज़ा 8
टू। अब ये जो है छोटा हो गया, तो इसको हेल्प चाहिए। हेल्प कैसे देते थे, डॉट लगा के और यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर देते थे, तो 4 5 20 आ जाता है, ये ज़ीरो हो गया। तो ये कॉस्ट क्या निकल के आ रही है, रुपीज़ 2.5, ये पॉइंट अभी बीच में। सो 2.5 रुपये एक कॉस्ट निकल के आ रही है एक रेज़र की। नौ हमें एक डज़न की निकालनी है, तो अब जो है जो 1 डज़न जो है वो किसके इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 12। 1 डज़न इज इक्वल टू 12। तो अब कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर्स कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जो है इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब भी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 2 मिनट के लिए हम जो डॉट शॉर्ट्स कुछ भूल जाएंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 12 से आप मल्टीप्लाई करो, 5 to the 10 वन कैरी, 2 4 plus 2 multiplied by 2 4 plus 1 5, ये 5 और 2 ऐसे ही आ जाएंगे 0 5 plus 5 10 वन कैरी, 2 plus 1 3। अब जो है अब डॉट लगा दो। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था हमने तो सिर्फ डॉट के आगे सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ में जो भी आंसर आएगा उस आंसर के आगे भी डॉट के आगे हमारा एक ही ज़ीरो हो, एक ही नंबर होगा। तो यहाँ पे इस केस में 30.0 आंसर आ जाएगा, विच इज़ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 30.0 इज़ एज गुड एज 30। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा आंसर 30। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है कुछ नहीं, अब हमारे को एक तरह से कॉस्ट जो है निकल के आ गई है। अब हम सो कॉस्ट ऑफ 1 डज़न इरेजर्स इज इक्वल टू ₹30। तो हमारी कॉस्ट जो है अब 30 निकल के आ गई है। अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, उसके हमें 2 आंसर्स ढूंढने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इसमें हमें दिया क्या है कि अ वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ्स। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है ढूंढने के लिए, हमें ढूंढा गया है हाउ मच विल द वर्कर अर्न इन 7 मंथ्स। तो चलो पहले अब इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। आंसर ए, पहले ए का आंसर ढूंढते हैं। इसमें अब आ जाएगा अर्निंग ऑफ वर्कर इन 15 मंथ्स। अब ये कितनी है, ये है जी ₹18,000। तो अब इसमें वही है, मतलब पहले हम 1 महीने की अगर सैलरी ढूंढ लेंगे तो हमारे लिए फिर 7 मंथ्स का ढूंढना इजी हो जाएगा। अर्निंग ऑफ वर्कर इन 7 मंथ्स कितनी होगी, इन 1 मंथ कितनी होगी, सॉरी दैट इज विल बी इक्वल टू व्हाट। अब ये यहाँ पे वही आ गया ना यूनिटरी मेथड हमारा, कि भाई 15 महीने की दी गई है सैलरी, तो अब 1 महीने की ढूंढ लो। तो ये 18,000 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लो जी, 18,000 को रखो अंदर, 15 को बाहर, 15 वन ज़ा 15, यहाँ से 3 बचे, ऊपर से 0 आ गया नीचे, 15 टू ज़ा 30। चलो जी कट गए, बाकी क्या बचे, 2 0, तो 2 0 ऐड कर लो। तो ये अब क्या बन गया जी, 1200। तो दिस विल बी इक्वल टू ₹1200। तो अर्निंग ऑफ वर्कर इन 1 मंथ कितनी आ गई, 1200। अब अर्निंग ऑफ वर्कर इन 7 मंथ्स कितनी हो जाएगी, फिर
इजी हो गया. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 month's अर्निंग. अब 1 month की अर्निंग कितनी थी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 7. ये भी रफ में कर लीजिए, 2 0 7 0 0 7 0 0 7 2 14 1 carry 7 1 7 plus 1 8. दिस इज इक्वल टू 8400. तो ये तो हो गया जी पार्ट वन, पार्ट ए आंसर. अब आ जाओ आंसर ऑफ बी पार्ट. इसमें अब हम यूज करेंगे कि हमारे को एक महीने की अर्निंग उसकी कितनी थी. अब यहाँ पे हम ये वाला जो हमने कैलकुलेशन की थी ना, इसका फायदा उठाएंगे. इसका भी फायदा उठा सकते हैं, या फिर हम ये जो इनिशियल में स्टार्टिंग में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हम वहाँ से भी उसको भी लेके चल सकते हैं. हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं. चलो पहले हम ऐसे करते हैं, हमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा. तो अब हमें ढूंढना है महीना कि कितने महीने में अब 3600 वो कमा पाएगा. तो मंथ्स टेकन टू अर्न रुपीज, हमारे को इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या थी दी गई थी कि भी 18,000 रुपया. तो इसको कमाने के लिए कितने महीने लगे थे, 15 months. तो 18,000 कमाने के लिए 15 महीने लगे. तो मंथ्स टेकन टू अर्न रुपीज वन, 1 रुपया कमाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. दैट विल बी इक्वल टू 15 divided by 18,000. या इसको ना पेन के साथ करके थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा पेन के साथ करके इजी हो जाएगा. अब ये आ जाएगा जी 15 divided by 18,000. तो वो तो डिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो क्या था 1200. तो ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1200. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/1200. 1 रुपये कमाने के लिए उसको 1/1200 मंथ्स लगेंगे. तो फिर अब देखो क्वेश्चन में हमारे को उन्होंने सेकंड पार्ट में यही बोला था कि महीने ढूंढने हमने, इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न रुपीज 3600. तो हम महीनों में ही डील करेंगे. नाउ मंथ्स टेकन टू अर्न रुपीज 3600 अब कितने हो जाएंगे, और दैट विल बी इक्वल टू 1 रुपया कमाने के लिए आपको लग गए जी 1/1200 मंथ्स. तो 3600 कमाने के लिए आपको 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो वो आप सीधा सीधा देख लो, ये 2 जीरो तो आपस में कट गए, तो 12 3 36 होता है. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 months. सो पहले पार्ट का आंसर 8400 था, ठीक. दूसरे पार्ट का आंसर 3 months है. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को क्या दिया है, द वेट ऑफ 70 बुक्स इज 9 kg. 72 बुक्स का वेट है 9 kg. अब पूछा क्या गया, फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स. ये पार्ट ए है, पार्ट बी अलग है, उसको बाद में देखते हैं, पहले हम पार्ट ए को देखते हैं. फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स. अब इस सम को कैसे अब हम करेंगे, इसमें अब हमारे को दिया क्या गया है, 72 बुक्स का वेट. तो अब अगर हम इसमें
इसमें अब हमने ढूंढना है 80 बुक्स का वेट, तो शुरू करते हैं। वेट ऑफ 72 बुक्स कितना है जी? 9 kg। तो सिंगल बुक का वेट कितना होगा? वन बुक कितना हुआ? 2 अब यहां पे पेन यूज कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 9/72। अब ये कट जाएगा 1 9 8 72 होता है, और 9 1 9 होता है, तो ये 1/8 kg आ गया वेट ऑफ सिंगल बुक। तो अब वेट ऑफ 80 बुक्स कितना हो जाएगा? एक बुक का है 1/8, तो 80 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, 8 10 80 होता है, तो ये कितना हो गया? 10 kg। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10 kg। अब आ जाओ जी पार्ट टू में। पार्ट टू का क्या क्वेश्चन था? हाउ मेनी बुक्स विल वे 6 kg। अब 6 kg वेट के लिए कितनी बुक्स रिक्वायर्ड है? अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी चलाकी करूँगा। मैंने जो पार्ट वन का आंसर निकाला ना कि 80 बुक्स का वेट जो है 10 kg है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तब जब एक आंसर निकाल ही लिया तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अब आई डोंट नो आपकी क्लास में कैसे रहेंगे, मतलब वो जो पहली इन्फॉर्मेशन दी उसी को यूज़ करेंगे कि ये जो पहला पार्ट का आंसर निकाला उसको यूज़ करेंगे। मैं अब पहले पार्ट का जो आंसर निकाला है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्या है, नंबर ऑफ, अब हमारे को बुक्स निकालनी है, ठीक है? नंबर ऑफ बुक्स वेइंग 10 kg। अब कितनी बुक्स है जिनका भार 10 किलो है? वो है जी 80। तो यूनिटरी मेथड है, हमें एक यूनिट निकालना है। एक किलो वेट कितने बुक्स का होगा? तो नंबर ऑफ बुक्स वेइंग 1 kg। यहाँ पे अब ये क्या हो जाएंगी जी? ये हो जाएंगी 80 बुक्स का भार 10 किलो है, तो 1 किलो भार के लिए कितनी बुक्स चाहिए? ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ये इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, वरना मैं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको भी यूज़ कर सकते थे। तो कितनी बुक्स हैं जिनका भार 1 किलो है? वो हैं 8। तो हमारे को कितना चाहिए वेट? हमें 6 kg चाहिए। नंबर ऑफ बुक्स वेइंग 6 किलो भार के लिए अब कितनी बुक्स की जरूरत पड़ जाएगी? अब जो है 8 बुक्स रिक्वायर्ड हैं फॉर 1 किलो, तो 6 किलो के लिए अब कितनी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ, दिस विल बी 48 बुक्स। तो 48 इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 57,900 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। स्क्रूज थे, मैंने वो लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया साथ में ना, ये ब्रैकेट में आपको लिख दिया, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरी डे। भाई एक तो अप्रैल में उसने इतने बनाए, और साथ में लिख दिया कि इतने तो वो एक दिन में बना लेती है।
आई डोंट नो अब इसका क्वेश्चन के आंसर में कहीं रेलेवेंस है भी है कि नहीं, बिकॉज जो पूछा गया है, पूछा क्या गया, हाउ मेनी स्क्रूज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 डेज, और दूसरा क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34,740 स्क्रूज। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन हमारे को पूछे गए ना ये दो, इनका कहीं भी रेलेवेंस इसके साथ नहीं है कि जी वो एक दिन में इतने बना लेती है। हमारे को तो ये पूछ ही नहीं रहे कि भैया आज की डेट में उसकी प्रोडक्शन कितनी है, हमारे को तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सिंपली इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही पूछे गए हैं, तो हम फिर इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड अपने आंसर्स रखेंगे। अब जो ए पार्ट का क्वेश्चन में क्या है कि हमारे से पूछा जा रहा है कि 8 दिन में फैक्ट्री ने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पर बात हो रही डेज की, मंथ की बात नहीं हो रही। तो फिर ये जो मंथ है इसको हम डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पहले अब हमारे को ये देखना पड़ेगा कि अप्रैल में कितने दिन थे। सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल कितने होते हैं जी, 30। तो अब आ जाओ पार्ट ए के अब क्वेश्चन पे, अब एक्चुअली शुरू हो रहा है ये। सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल नहीं, अब लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 30 डेज में कितने बनाए, तो दैट इज इक्वल टू 57900, जो कि अप्रैल के मंथ की प्रोडक्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो एक दिन में अब कितने बने, यूनिटरी मेथड है, एक यूनिट में देखेंगे कितना होता प्रोडक्शन। नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे अब कितने होंगे, अब यहाँ पे एक दिन का प्रोडक्शन निकालना आसान हो जाएगा, तो जब एक दिन का निकल गया तो फिर 8 दिन का निकालना और आसान है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया जी 57900 डिवाइडेड बाय 30, 10 तो यहाँ से सीधा चला गया। अब जो 5790 है इसका अब आप निकाल लो, ये डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा, 3 1 3, 2 नीचे आया 7 आया, 2 3 9 27 होता है, ये 0 हो गया, अब 9 नीचे आ रहा है, 3 9 ये भी 0, एंड में क्या बचा 0, तो यहाँ पे 0 एक लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये कट गया जी 1930 हो गया। तो एक दिन की प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 1930। तो अब जो है नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड एट डेज, अब 8 दिन में अब कितने बना दिए, अब 8 दिन में कितने बन जाएंगे जी, 1930 एक दिन में बने हैं, तो 8 दिन में मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, इसका भी रफ वर्क यहाँ पे आप कर लो साइड पे, 8 0 0 8 3 24 टू कैरी 8 9 72 प्लस 2 74 7 कैरी 8 1 8 प्लस 7 15, तो ये अब कितना आ गया 15,440। तो हमारे को 8 दिन की प्रोडक्शन हमारे को निकल के आ गई है 15,440 स्क्रूज। अब हम करते हैं पार्ट टू, अब करते हैं जी पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे से बेसिकली पूछा क्या गया है, हमारे से पूछा गया है हाउ मेनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34740 स्क्रूज, 34,740 स्क्रूज को प्रोड्यूस करने में कितने दिन लगे, अब ये पूछा गया है। अब ये आंसर निकालने के लिए मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई थी उसको यूज़ कर सकता हूँ, एक मैं अपनी कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो दोनों में से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो चलें करते हैं शुरू सम को। तो अब हमारे को डेज पूछा गया, तो फिर हम डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना लिखेंगे। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो कि 579 स्क्रूज बनाने के लिए कितने दिन रिक्वायर्ड थे, ये थे जी 30 डेज, क्योंकि इतने दिनों में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए। ठीक, ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, मैं ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही ले रहा हूँ। आई डोंट नो अब आपकी क्लास में क्या कराएंगे, तो मैं सेफ खेल रहा हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहा, मैं ये भी सीधा यहाँ पे भी जा सकता था, पर चलो। तो अब यूनिटरी मेथड है, अब सिंगल यूनिट में हम बात करेंगे, सिंगल यूनिट यहाँ पे आप स्क्रूज है, तो अब फिर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिंगल स्क्रू को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो 30 दिन लगे थे इतने बनाने में, तो एक स्क्रू को बनाने में कितना दिन लगेगा, दैट विल बी 30/579, ये डिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब इसमें हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ये है 193 दिन, दिस विल बी इक्वल टू 1930 डेज, मतलब एक दिन से बहुत कम टाइम ही लग रहा है ऑब्वियसली। तो अब हमारे को क्या पूछा गया है, कि हमारे को पूछा गया है हमारे को अब पूछा जा रहा है कि भी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितने स्क्रूज, 34740 स्क्रूज। तो एक स्क्रू को बनाने में हमारे को कितने दिन लगे जी, हमारे को लगे 1/1930, तो 34740 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 34740 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। बेसिकली अब हमारे को इसको आपस में डिवाइड करना है, ये ज़ीरो तो आपका सीधा ही चला जाता है, तो रफ में अब 3474 को डिवाइड करो 193 के साथ, ये वन से जाएगा, बिकॉज टू अगर करोगे तो 38 के आसपास, 380 के आसपास बन जाएगा, तो 193 आ गया, 7 में से 3 गए 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, 14 में से 9 गए 5, ये 2 में से 1 गए तो 1, और ये आ गया 1544, एंड में 4 चाहिए तो 193, 8 जा करके देखो, 8 3 24, 2 कैरी, 8 9 72 प्लस 2 74 7 कैरी, 8 1 8 प्लस 7 15, लो जी ये तो आ गया 1544 आ गया, उनका 0 आ गया एंड में, तो क्या आ रहा 18, तो ये आ गया 18, तो कितने दिनों में होगा, 18 डेज में, तो हमारा आंसर क्या है 18। विद दिस फाइनली वी हैव कम टू एंड ऑफ द वर्कशीट, जिन्होंने एंड तक देख लिया प्लीज़ अब सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। Thanks for watching till the end. Thank you very much.